टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज करने से पहले भारत ने शनिवार 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अपना एकमात्र वार्म अप मैच खेला। अभ्यास मैच होने की वजह से टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में काफी उथल पुथल देखने को मिली। रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने उतरे संजू सैमसन, तो वहीं ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर कार्यभार संभाला। पंत ने इस दौरान 32 गेंदों पर 4 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के की मदद से 53 रनों की धुंधाधार पारी खेली। पंत अर्धशतक जड़ने के बाद रिटायर आउट हो गए ताकि अन्य बल्लेबाजों को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले। पंत की इस धुआंधार बैटिंग देखने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि वह टी20 वर्ल्ड कप में भी नंबर 3 के अच्छे विकल्प हैं, मगर कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद इस पर सफाई दी। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, बस उसे एक मौका देना चाहते थे, हमने अभी तक बैटिंग लाइनअप को ठीक से तैयार नहीं किया है, हम चाहते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी मिडिल में हिट करें। वहीं इसके अलावा कप्तान मैच के बारे में बोले, चीजें जिस तरह से हुई हैं उसे काफी खुश हूं। खेल में हमें जो चाहिए था वो मिला, परिस्थितियों के हिसाब से ढलना जरूरी है, नया मैदान नया मैच और ड्रॉप इन पिच है। आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में भारतीय बॉलिंग यूनिट के स्टार अर्शदीप सिंह रहे हैं, जिन्होंने 3 ओवर में मात्र 12 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को लेकर रोहित शर्मा बोले, उसने हमें दिखाया है कि उसके पास आगे और पीछे दोनों ही तरह के कौशल हैं। उसके पास बहुत अच्छा कौशल है, हमारे पास यहाँ 15 अच्छे खिलाड़ी हैं, बस हमें परिस्थितियों को समझने और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और संजू सैमसन ने शुरुआत की। सैमसन इस मौके को बुना नहीं पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने आए ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 4 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 53 रन ठोक डाले। अर्धशतक पूरा होने के बाद पंत रिटायर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 18 गेंदों पर 31 और हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर 40 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें टीम को निर्धारित 20 ओवर में 182 के स्कोर तक पहुंचाया। वहीं 183 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना पाई। आपको बता दें, भारत के लिए शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 2-2 विकेट चटकाए। वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट की सफलता मिल पाई। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।